ऐसा में नजर है क्यों भाई, क्यों चाहिए? तो ना उठ जा, घर चलना है ना। अरे भाई, अरे भाई, उठो उठो सोना, चलो उठ जाओ, जाने की तैयारी भी करनी है ना। मम्मी ने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी सारी छुट्टी के दिन खत्म हो गए, आज हम निकल रहे हैं। तो मम्मी हमारे लिए सैंडविच बना रही है और सब लोग खा रहे हैं अभी। तो पैकिंग वैकिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, एक पैक बचा है, वो भी करेंगे नाश्ता करने के बाद। सैंडविच में इंजॉय करती हूँ, लेकिन ये भी सोच रही होती हूँ कि अब पता नहीं फिर खाने को कब मिलेगा। यहाँ सोना अपने मामू से लिपट जाता है, और सच बता रही हूँ ये इस तरीके से ना हमसे नहीं लिपटता है। पता नहीं मामू की गोद में से क्या मज़ा आता है, शायद मामू का अच्छा खासा पेट है तो गुदगुदा लगता है, शायद इसलिए टेडी बियर समझ कर लेटा रहता है। सोना सो रहा है और नानो वेट कर रहे कि सोना कब तक जागेगा, तब तक उसकी गाड़ी को रिपेयर कर रहे हैं। मम्मी भी सोना के पास आके लेट जाती है कि पता नहीं अब सोना कब मिलेगा, और उसे ढेर सारा प्यार करती है नींद में। मुझे भी सोना के ऊपर इस तरीके से प्यार आता है जब वो सो रहा होता है। हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, बस अब दिन के खाने की तैयारी करने वाली है मम्मी, और खाना खा के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फैमिली के साथ फिर यहाँ से निकलना है। बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। अभी लास्ट वक्त तक मम्मी पापा बोल रहे थे कि छोड़ जाओ, लेकिन हस्बैंड नहीं मान रहे हैं क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है। कल रात को वो इतनी ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी ना पूरे दिन की, लास्ट टाइम पर मुझे खून भी आने लगा। ताकि कोई घबराने वाली बात नहीं थी, नेट पर चेक किया तो ये नॉर्मल होता है, जब ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो थ्रोट से ब्लड आने लगता है, तो वही मेरे साथ हुआ था। उसके बाद बस मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा ही मतलब थकान सी हो गई थी, और एकदम ना ऐसा लग रहा था कि बस बीपी वगैरह भी लो हो गया है, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो मम्मी ने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, और मैं इसे लेना ही भूल गई थी। घर जाकर दिखाऊंगी मैं ये क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके लिए मैं स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इस डॉक्यूमेंट में क्या है। मेरे लिए ना सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, और जब मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी तो शायद आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। सोना उठ जाओ, आज चलना है ना घर। सोना उठ जाओ, घर चलना है ना। अरे भाई उठो उठो सोना, चलो उठ जाओ, जाने की तैयारी भी करनी है ना। हाँ नहीं चलना, क्यों? उठ जाओ उठ जाओ। जाने से पहले हमें सोना के नानू ढेर सारा कैश देते हैं, और सोना यहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि उसे कैश नहीं मिल रहा है। बिस्किट पूरे पैसों में नजर है, क्यों भाई, क्यों चाहिए? सोना के नानू सोना को खुश करने के लिए सारे के सारे पैसे उसकी पॉकेट में डाल देते हैं, हालांकि हम उससे बाद में ले लेते हैं। यहाँ पर सोना का मामू सोना को जूस पिलाता है, और इतना ज़्यादा लोड कर देता है ना जूस पिला के कि सोना फिर से मामू के पेट पर लेट जाता है, जो कि बहुत गुदगुदा है। इसी बीच में नानी भी आती है सोना को चढ़ाने, लेकिन सोना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे बस गुदगुदे पेट से मतलब है और आराम से लेटा रहता है। चढ़ा दो नानी को, चढ़ा दो चढ़ा दो चढ़ा दो चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे। बोलो भैया प्याली भी चाहिए क्यों? जाते जाते भी ना मम्मी को चैन नहीं है, मेरे लिए मीठी साके बनाने में लगी हुई है। उन्हें याद आया कि इसको अच्छी लगेगी, प्रेगनेंसी में खा लेगी, कुछ तो जाएगा इसके पेट में। यहाँ भाई भी थोड़ी मेहनत करता है, आटा लगाता है ताकि हम सब जल्दी टाइम से खाना खा के निकल पाएं। तो बस निकलने का टाइम हो चुका है, और यह आखिरी बार मैं मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खा रही हूँ। अब तो पता नहीं मुझे खाना कब मिलेगा, और सच बताओ तो यहाँ पे तो खा भी पा रही थी, अब घर जाकर पता लगेगा कितना खा पाऊंगी अपने हाथ का या नहीं भी खा पाऊंगी। क्या कर लेते हैं? अच्छा ये गंदी हरकतें करके मामा को भाग बोलते हो? रुदर दिखाओ शक्ल, क्या किया आपने? इधर लगा लो, इस पे लगाओ। हम खाना खा रहे थे और पता नहीं इसको कहाँ से क्रीम मिल गई, पूरे चेहरे पर इसने पोत लिया है। निकलने का टाइम हो चुका है, और हमारे रिवाज होती है कि जब भी घर से घर की जो लड़की है वो जा रही होती है तो दामाद और लड़की का टीका किया जाता है। तो मम्मी हर बार की तरह हमारा यहाँ टीका कर रही है। पैसे
टीका वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो बस अब घर से निकल रहे हैं, सारा सामान उठा रहे हैं और जितना भी कैश मिला है सब इकट्ठा कर रहे हैं। और चाची वाची भी मिलने आ रही हैं अभी, उनसे भी बस मिलके और बस निकलने वाले हैं यहाँ से। मम्मी यहाँ हमारे लिए काला टीका बना रही है और इस काले टीके को सबको लगाने वाली है। एक एक ऊपर कर दे, दे इसी बीच चाची भी आ गई हैं और मौसी भी आ गई हैं शोना के हमसे मिलने। और शोना ये इतने सारे नटखट ले आया अपने मामू के साथ। कान्हा जी को भी मैं विदा दे देती हूँ, उन्हें कैसे भूल सकते हैं, और बिल्कुल तैयारी हो चुकी है चलने। शोना नहीं, आप यहीं पे रहो, हम जा रहे हैं, बाय। मामू जाती भी रहो, बाय। नहीं अब तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, जैसे कि आप देख लेगा हमारे पास भी नहीं आएगा, छोड़ जाएगा। एक बार देख रहा हूँ, फटो फटो नोट रहा है, सही है जो छोरा, सही चेक कर रहा हूँ सामने। नहीं फटो ना, पूरा नहीं खुला, पूरा नहीं खुला, चकला देखेगा जब तक मान लेगा, चकला है तो ये असली शोना भी अब कान्हा जी के पास जाकर उनसे विदा लेता है, यहाँ जय जय करता है और बाय बाय भी कर देता है और पहुंच जाता है अपनी नानू की गोद में नीचे और वेट कर रहे होते हैं। अभी हम भी बहुत खुश होता है, शायद इसे पता लग चुका है कि चलने का टाइम हो गया, हम सब जा रहे हैं कहीं पर घूमने। बाय बाय। जब तक भाई सारा सामान कैब में रख रहा होता है, यहाँ पर मैं अपनी दोनों चाचियों से मिल लेती हूँ और मुझे इतनी हंसी आ रही होती है ना, क्योंकि गले मिलते वक्त मैं कहती हूँ चाची कि मैं आपसे ज़्यादा लंबी लग रही हूँ और आप छोटे लग रहे हो। मम्मी से भी गले मिल लेती हूँ और मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी होती है, लेकिन कंट्रोल कर रखा होता है जैसे तैसे। यहाँ मेरा भाई थोड़ा शर्मा रहा होता है, दुख तो बहुत हो रहा होता है कि मैं सबको छोड़कर जा रही होती हूँ। और सच बताऊँ तो मेरी तो याद यहाँ पर कोई नहीं करने वाला, लेकिन शोना को सब लोग बहुत याद करेंगे। पापा से भी मैं गले मिल लेती हूँ। नानू की करो, नानू की, नानू की जय करो, नानू की जय करो, जय करो, जय करो, जय करो, हाँ करो अच्छे से, अरे भाई नानू की करो, सब कर ले, अब भाई हमें फटाफट से कैब के अंदर फेंक रहा होता है, लोड कर रहा होता है जल्दी से कि हमारी ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि ट्रेन छूट गई तो बच्चे के साथ हम सबसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो फाइनली मैं भी बैठ जाती हूँ और अब सबके इमोशनल चेहरे देखने को मिलते हैं। मैं भी कंट्रोल कर लेती हूँ अपने इमोशंस को, वरना सब बहुत ज़्यादा रोने लगेंगे। तो ये था मेरा मायके का सफ़र, आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।